नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद शाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक और नई औषधि के बारे में जानकारी देंगे। ये औषधि दक्षिण भारत में अधिक मात्रा में पाई जाती है। आज हम आपको चंदन के बारे में जानकारी देंगे। चंदन के तेल की मालिश करी जाती है शरीर पर बहुत सारे रोगों को ठीक करने के लिए। ये त्वचा से संबंधित रोगों को बहुत अच्छी तरह से ठीक करता है। दोस्तों, इसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए और इसके तेल का किस तरह से उपयोग करना चाहिए, इससे पहले हम आपको इसकी पहचान कराते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप ये चंदन का पेड़ देख रहे हैं, ये तमिलनाडु, मालामार, कर्नाटक में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसका पेड़ सदाबहार और 9 से 12 फुट ऊंचा होता है। बाहर से इसकी छाल का रंग मटमैला और काला और अंदर से लालिमा युक्त होता है, जबकि अंदर का भाग सुगंधित और तेल युक्त होता है। चंदन के पेड़ की आयु 50 वर्ष होती है। चंदन 5 से 6 प्रकार का होता है। उत्तम चंदन का स्वाद कड़वा और तीखा होता है। घिसने पर यह पीला और ऊपर से सफ़ेद, काटने में अंदर से लाल दिखाई देता है। दोस्तों, हमने आपको चंदन की पहचान के बारे में आपको बताया। अब इसे कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कौन कौन से रोगों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, यह पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, पहला उपाय उनके लिए है जिनके शरीर पर खुजली है किसी भी प्रकार की है, या गूदा द्वार पर खुजली है, तो आप इसके लिए चंदन का तेल लीजिए। उसमें कुछ बूंदे नींबू के रस की मिलाइए और इस मिश्रण को आप उस स्थान पर लगाइए जहाँ आपके शरीर पर खुजली हो रही है या गूदा द्वार पर खुजली हो रही है। इस लेप को लगाने से हर प्रकार की खुजली ठीक हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए है जिनके पेशाब करने में जलन होती है, दर्द होता है, पीप आने की समस्या है, खून आने की समस्या है, आप इसके लिए चंदन के कम से कम 8 से 10 बूंद तेल लीजिए, बतासे में डाल लीजिए आप उसे, और 1 कप दूध के साथ रोज सुबह और शाम इसका सेवन करें। हमने आपको जितने भी पेशाब से संबंधित रोग बताए ये सारे ठीक हो जाते हैं। अगला उपाय उनके लिए है जिनको बुखार की समस्या है, तेज बुखार के कारण नींद नहीं आती है, सिर में दर्द बना रहता है, आप इसके लिए कपूर, चंदन और केसर को बराबर मात्रा में लीजिए। इसे अच्छी तरह से पानी में घिसकर सिर पर लगाइए। इसे लगाने से बुखार भी ठीक हो जाता है, सिर का दर्द भी ठीक हो जाता है और नींद जैसी ना आने की समस्या भी दूर हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए है जो त्वचा से संबंधित रोग है, जिनको फोड़े फुंसी की समस्या है, आप इसके लिए चंदन लीजिए और चंदन को पानी में अच्छी तरह से घिसकर उसका लेप बना लीजिए, फोड़े फुंसी के स्थान पर लगाइए। पीप निकलता है तो वह भी ठीक हो जाता है, दर्द की समस्या है वह भी ठीक हो जाती है और घाव भी जल्दी भर जाते हैं। अगला उपाय उनके लिए है जिनके चेहरे पर काले धब्बे हो जाते हैं, फोड़े फुंसी और मुहासे बन जाते हैं, आप इसके लिए चंदन लीजिए और चंदन को बादाम के तेल में अच्छी तरह से घिसिए, उसका लेप अपने चेहरे पर लगाइए, फोड़े फुंसी भी ठीक हो जाते हैं, काले धब्बे भी ठीक हो जाते हैं और किसी तरह की और भी परेशानी है चेहरे पर, किसी भी तरह का निशान है तो वह भी ठीक हो जाता है। अगला उपाय उनके लिए है जिन्हें लंबे समय से खांसी की परेशानी है, बलगम की परेशानी है, मुंह में दुर्गंध की परेशानी है, आप इसके लिए 2-3 बूंद चंदन के तेल की लीजिए, बतासे में डालकर आप सुबह शाम कम से कम 3 बार दिन में सेवन करें। गले के जितने भी हमने आपको रोग बताए, खांसी के, बलगम के और सांस में अगर बदबू है या सांस की और भी कोई परेशानी है तो वह ठीक हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए है जिनको खाना खाने में परेशानी होती है या उल्टी आने की समस्या है या जिनको खूनी उल्टी भी आती है, वह लोग सफ़ेद चंदन को अच्छी तरह से घिसिए, चने के बराबर के आकार की गोलियां बना लीजिए आप और दिन में 3 बार लीजिए, 1-1 गोली की मात्रा में आप पानी के साथ लीजिए। इससे खूनी उल्टी भी बंद हो जाती है और अन्य और किसी तरह की भी उल्टी होती है तो वह भी ठीक हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए जिनकी नाक में सूजन है, दर्द है, फोड़े फुंसी हैं या किसी भी प्रकार के दाने हैं, तो आप इसके लिए चंदन के तेल में 2 गुना तेल मिलाइए सरसों का और 2-2 बूंद की मात्रा में नाक में डालिए। अगर नाक में सूजन है, दर्द है या फोड़े फुंसी हैं या किसी भी प्रकार के दाने हैं तो वे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अगला उपाय उनके लिए जिनके गुप्तांगों में सूजन है, जलन है, दर्द है, खुजली है, किसी भी प्रकार की हो, सूखी खुजली हो या गीली खुजली हो, आप इसके लिए चंदन के तेल में नींबू का रस मिलाइए और गुप्तांगों को धोइए, किसी भी प्रकार की खुजली है तो वह ठीक हो जाती है और सूजन और दर्द भी ठीक हो जाता है। अगला उपाय उनके लिए है जिनका दिल कमजोर है, घबराहट की समस्या है, बेचैनी की समस्या रहती है जिनको, उसके लिए आप 1 चम्मच चंदन का तेल लीजिए और 1 कप गुलाब के रस में उसे मिलाकर आप सुबह शाम उसका सेवन करें, दिल की कमजोरी भी ठीक हो जाती है और दिल में जो घबराहट बनी रहती है वह भी ठीक हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, जिन्हें पागलपन की समस्या है, इसके लिए आप 3 ग्राम चंदन का चूर्ण लीजिए, 50 ग्राम गुलाब जल लीजिए, गुलाब जल में चंदन को डालकर रात भर रखें, सुबह के समय उसे अच्छी तरह से उबाल लीजिए आप, उसमें स्वाद अनुसार मिश्री मिलाइए और उसका आप सेवन करें दिन में 2 बार, इससे पागलपन की समस्या भी दूर हो जाती है और दिमाग मानसिक रूप से मजबूत बनता है। अगला उपाय उनके लिए है जो खसरे से पीड़ित लोग हैं, शरीर पर जलन रहती है, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, दर्द बना रहता है शरीर में, इसके लिए आप सफ़ेद चंदन लीजिए, उसे अच्छी तरह से घिसकर पानी में उसका लेप बना लीजिए, उस लेप को शरीर पर लगाइए, इससे हमने जितने भी आपको रोग बताए हैं ये सारे ठीक हो जाते हैं।
दोस्तों, हमने आपको चंदन के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको हमसे कुछ भी सवाल पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, इसका अधिक सेवन ना करें, क्योंकि चंदन का अधिक सेवन करने से उल्टी की समस्या हो सकती है और नपुंसकता की भी समस्या होती है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, हम आपके माध्यम से आयुर्वेद को हर घर में पहुँचाना चाहते हैं, हर घर से रोगों को दूर करना चाहते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेद शाला को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।